एग्जाम दोबारा करवाने की बात कर रहे हैं, क्या है सर ये पूरा मामला, एक बार बताइए ना, कितना स्टूडेंटों को नुकसान होगा, किनको क्या होगा? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने को एक साथ देखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो पहली बार इस एग्जाम की हिस्ट्री में 67 बच्चे एआर 1 लेकर आए, आप समझे 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं। जो एम्स दिल्ली की सीट्स हैं वो 46 हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 720 में से 720 लाने के बावजूद भारत के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, ये पहला मुद्दा है। अब ये बच्चे इतने 67 बच्चे कैसे लेकर आए, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्होंने टाइम लॉस के अकॉर्डिंग कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं। ये पहली बार भारत में हिस्ट्री में हुआ है नीट के एग्जाम में, आज से पहले कभी भी कंपनसेटरी मार्क्स नहीं बांटे गए। सवाल ये उठता है कि एक ऑफलाइन एग्जाम में आप कैसे जज कर सकते हो कि किस बच्चे की क्या एफिशिएंसी है सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में देखकर, आप समझ गए मेरी बात को, ये इम्पॉसिबल टू जज है जो इन्होंने जज कर लिया और 1563 बच्चों को कॉम्पनसेटरी मार्क्स दे दिए। आज जो एनटीए के द्वारा सफाई आई है, हमने बहुत मांग उठाई, मल्टीपल जगह पर उठाई, उसके बावजूद ये क्लैरिटी आज भी नहीं दी गई कि किस तरीके से और कितने कंपनसेटरी मार्क्स इन 1563 बच्चों को दिए गए। तो एनटीए बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें चल रहा है। तीसरी जो गड़बड़ है, पटना में पेपर लीक हुआ, एफआईआर वहां पर दर्ज है, साफ साफ ये उसमें दिख रहा है कि 4 तारीख को बच्चों के पास पेपर था जिसमें उनको क्वेश्चंस रटाए गए, उसके आंसर रटाए गए और वो अगले दिन पेपर में गए। गोधरा में एक स्कूल ऐसा है जहां पर मल्टीपल स्टेट्स के बच्चों ने आकर एग्जाम दिया, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस सबसे हुआ ये कि जहां पर पिछली बार 600 नंबर पर, आप ध्यान दीजिएगा इस डेटा को, 600 नंबर पर पिछले साल जहां 27,000 28,000 रैंक आती थी, इस साल उसी नंबर पर 80,000 रैंक आई है, 3 गुना का इजाफा हो गया एक साल के अंदर अंदर भारत के बच्चों के लेवल में, जो हो ही नहीं सकता। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसा अभी जस्ट मैं एक बच्चे से मिला था जिसके 636, 640, 645 नंबर आए हैं, जिसपे हर साल कॉलेज मिल जाया करते थे, इतने मेहनत करने वाले बच्चों को, ऑनेस्टी के साथ एग्जाम देने वाले बच्चों को इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कम से कम 40-50 हजार बच्चों का ये डायरेक्टली नुकसान है, जो हमको मेधावी डॉक्टर्स मिल सकते थे भारत देश को आगे चलकर, अब शायद उसकी जगह वैसे बच्चे जो डिजर्व ही नहीं करते, जो ग्रेस मार्क्स के दम पर वहां पर पहुंच गए, वो बच्चे अब हमको डॉक्टर बनते हुए दिखेंगे। तो ये हमारी मेडिकल सुविधा के लिए बहुत बड़ा आघात है, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आगे जाकर आप सोचिए जब इतने सारे डॉक्टर्स गलत तरीके से डॉक्टर बनेंगे तो क्या अंजाम होगा इस देश का। सर क्या होना चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए या क्या? अब देखिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। हमने अपनी दलीलें रख दी है वहां पर, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बच्चों के माध्यम से केसेस दायर कर रहे हैं अलग अलग हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो देखिए 2015 में रीनीट एक बार हो चुका है हमारे पास, जो सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें पेपर लीक प्रूफ हो गया था। तो हमारी यही दरखास्त है इसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आप वहीं से ही मिल सकता है या हाई कोर्ट से, जो भी इस केस को देख रहे हैं, कि जहां पर पेपर लीक की तकलीफ है वहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और दूसरा, ये जो ग्रेस मार्क्स पर क्लैरिटी एनटीए नहीं दे रहा है, जिसका सबसे ज्यादा आक्रोश है आज भारत भर में, सबसे ज्यादा आक्रोश बच्चों में इसी चीज का है कि आपने कैसे टाइम के लॉस के चक्कर में बच्चों को नंबर बांट दिए, उसकी हमको डेटा चाहिए, आप डेटा दो ना, आप पब्लिक में जारी करो ना, आप ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो देखिए इसका सलूशन रीनीट है कि रीएवल्यूशन है, ये इस पर डिपेंड करता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन में ये पता चले कि एक्चुअली में हुआ क्या है। क्योंकि रीनीट अगर करा लेंगे तो जो बच्चा मेहनत से मार्क्स लेकर आया है ये उसके लिए गलत हो जाएगा, वो तो यही बोलेगा कि यार मैं तो मेहनत से लेकर आया हूं, मैं दोबारा एग्जाम क्यों दूं। और अगर सिर्फ रीएवल्यूशन होता है तो ये उनके साथ धोखा हो जाएगा जो 630-640 के बावजूद कॉलेज नहीं लेकर आ पा रहे। तो पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, कारण पता चलेगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन।